चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पे आज हम बात करेंगे यूपीटीटी 2019 के एनवायरनमेंट में और यहां पर हम लेंगे आज का हमारा लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 8 के अंतर्गत आज हम आपसे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे, जो कि होगा हमारी खाद्य श्रृंखला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खाद्य श्रृंखला से एक प्रश्न निश्चित तौर पे पूछता है और दो प्रश्न हमारा निश्चित तौर पे पूछता है ऊर्जा के पिरामिड से। हर बार की तरह शर्त वही है, कलम कागज थोड़ी देर बंद करके अगर आप कंसंट्रेट होके ब्लैकबोर्ड पे अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके ये 3 नंबर श्योर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी बात हो खाद्य श्रृंखला की तो बस एक बात ध्यान दीजिएगा कि खाद्य श्रृंखला एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। क्या करती है? एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। इसमें ऊर्जा सदैव एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। दूसरे सिरे तक जाता है। अब देखिएगा, सिर्फ दो लाइन, मुझे कोई कंफ्यूजन भरी लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ दो लाइन को ध्यान दीजिएगा। मैं प्रूफ कर देता हूं कि कोई प्रश्न आएगा तो आप किस प्रकार कर पाएंगे। पहली बात ध्यान दीजिएगा, निश्चित क्रम एक टर्म पकड़ लीजिएगा, निश्चित क्रम, फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, बस इतनी बात। चलिए हम प्रूफ करते हैं कैसे। हम बात करते हैं घास परितंत्र की। किसकी? घास परितंत्र की। घास परितंत्र में घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है साहब? मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है साहब? बाज खाता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही कि घास को टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, और सांप के बाद अंतिम में बाज खाता है। ठीक है, बात कर रहे थे खाद्य श्रृंखला पे। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मेढक टिड्डे को ना खा के सीधे घास खा ले? हो सकता है? नहीं। इसका मतलब पहली वाली लाइन कि खाद्य श्रृंखला एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। घास को जब भी खाएगा टिड्डा ही खाएगा, मेढक नहीं खाएगा। अच्छा छोड़िए, क्या ऐसा हो सकता है क्या सांप ही सीधे घास खा ले? हो सकता है सांप? नहीं हो सकता। ये निश्चित क्रम का अनुसरण करेगा और एक क्रम से होते हुए आगे की ओर जाएगा। यही बनने वाली श्रृंखला हमारी क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला। और उदाहरण हम यहाँ पे देख करके आपको और उदाहरण बताते हैं। जैसे घास परितंत्र को हिरण खाई और हिरण को शेर खाया, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या शेर कभी सीधे घास ही खा ले? हिरण को क्यों खाए? जब भी होगा तो घास हिरण खाएगी और हिरण को शेर खाएगा, श्रृंखला तोड़ के कभी भी बाहर नहीं जा सकता। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, घास है, घास परितंत्र को या पौधे परितंत्र को कीड़े मकोड़े कीट खा लिए, कीट को मछली खा ली साहब, हाँ मछली को फिर कौन खा लिया? सांप खा लिए। और सांप को कौन खा लिया? बाज खा लिया। तो चलिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या मछली सीधे घास खा ले, कीट क्यों खाएगी? पोषण तो इधर ही से आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। यही बनने वाली निश्चित श्रृंखला हमारी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्लियर हुआ साहब? खाद्य श्रृंखला से अब प्रश्न आएगा, निश्चित तौर पर कर पाएंगे। चलिए हम आगे ले चलते हैं आप 2 नंबर के सेक्शन पे, जहां से 2 नंबर निश्चित होगा। देखिएगा, हम बात करेंगे 2 नंबर के सेक्शन की, तो हम यहाँ पे हमारा जो चैप्टर होगा हम आप बना लीजिएगा ऊर्जा का पिरामिड। अब देखिएगा थोड़ा सा, बस जैसे वहां पे कंसंट्रेट रहे यहाँ पे भी कंसंट्रेट रहेगा, मैं यकीन दिलाता हूं 2 नंबर सिर्फ देख करके फिक्स हो जाएगा। कैसे? देखिएगा साहब,
ऊर्जा का पिरामिड से जैसे ही बात उठे, पहली बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। दूसरी बात, ऊर्जा के पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है। किधर जाता है? निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है। चलिए हम यहां से दो बात बताएंगे। हम पहले ऊर्जा का पिरामिड बना देते हैं। देखिए साहब, चलिए पिरामिड बन गया। एक और बात यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एक विचारक हुए जिनका नाम है लिंडमैन। इन्होंने 1942 ईस्वी में 10% का नियम दिया था। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम आपको ऊर्जा के पिरामिड का एकदम बिल्कुल सार बिंदु की ओर ले चलते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो साहब कौन होता है? सूर्य। कौन होता है? सूर्य। सूर्य से ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? पौधे प्राप्त करते हैं। इस पौधे को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। पौधे को क्या कहा जाता है? उत्पादक। तक ऊर्जा गई। फिर पौधे से ऊर्जा किसमें जाएगी? प्रथम उपभोक्ता, या इसी को आप कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा कहाँ जाएगी? द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगी। और द्वितीयक उपभोक्ता से किस में जाएगी? तृतीयक उपभोक्ता में जाएगा। तो अब देखिए, ऊर्जा अधिकतम कितने स्तर तक प्रवाहित हो सकती है? तो चलिए गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऊर्जा अधिकतम 5 स्तर तक जा सकती है। अधिकतम 5 स्तर तक जा सकती है। इतनी बात को ध्यान दीजिएगा, सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक दाता, इससे ग्रहण किया पौधे, इसको ग्रहण किया प्रथम उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी, इसको खाया मांसाहारी, और ये तृतीयक में वो आए जो शाकाहारी और मांसाहारी दो का दोनों। तो चलिए साहब, अब देखिए लिंडमैन का जो उन्होंने 1942 में 10% का इन्होंने जो नियम दिया वो क्या है? मूल रूप से हम इसको उठा करके देखते हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा कि लिंडमैन महोदय ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी ऊर्जा घटती चली जाएगी। एक स्तर से ऊर्जा जाएगी दूसरे स्तर तो मात्र 10%। जैसे चलिए प्रूफ कर देते हैं, जैसे सूर्य से 1000 कैलोरी ऊर्जा निकली, कितनी? 1000 कैलोरी। तो जब ये पौधे के पास पहुंचेगी तो ये 1000 का 10% कितना हुआ? 100 कैलोरी हो जाएगी। फिर जब ये प्राथमिक उपभोक्ता पे जाएगी तो इस 100 का 10 कैलोरी हो जाएगी, तो 10% इसका कितना कैलोरी हुआ? 10 हुआ। फिर ये अगले स्तर पे जाएगी तो ये 1 कैलोरी हो जाएगी, और ऊपर जाएगी तो 0.1 कैलोरी। अब इसके ऊपर जा ही नहीं सकता कि 0.1 कैलोरी से कम ऊर्जा में कोई जीव जिंदा रह ही नहीं सकता। ऊर्जा का पिरामिड। अब जैसे चलिए हम देखते हैं, देखिए साहब, हमने ये देखा कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये हमेशा सीधा बनता, उल्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊर्जा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। एक कंफ्यूजन बना रहता है आपके मन में, ये आता है कि जो सबसे ज़्यादा भोजन प्राप्त करता है वो उच्च स्तर का, जो कम ना। उदाहरण बताते हैं, देखिए उच्च और निम्न का क्या गणित होता है। देखिए साहब,
किसी कंपनी में मान लीजिए कर्मचारी काम कर रहा है, तो जो सबसे निचले स्तर का कर्मचारी होता है वो सबसे ज़्यादा काम करता है, फिर इसके दो दो का एक एक बास नियुक्त कर दिया गया, तो अब ये इससे कम काम करता है लेकिन इसका ऊंचा अधिकारी कहलाएगा, फिर इसके ऊपर एक व्यक्ति, इसके ऊपर एक व्यक्ति हो गया, दोनों को मिला करके एक हो गए। अब देखिए सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, निचले स्तर का करता है और सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन ये सबसे निम्न स्तर का कहा जाता है और सबसे कम काम ये करता है सबसे उच्च स्तर कहा जाता है। यही पोषण में भी होता है कि जो इस पिरामिड में ऊपर की ओर जितना जाएगा वह उच्च होता जाएगा और जो नीचे वाला होता है वह निम्न स्तर का उपभोक्ता होता है। क्लियर है सर? चलिए प्रश्न का पैटर्न बता देते हैं, थोड़ा खतरनाक प्रश्न बताते हैं, पढ़ने के बाद आप गलत करेंगे, कैसे चूक करते हैं इसको दिखाते हैं। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम बात करते हैं घास परितंत्र की, कि घास परितंत्र में घास को टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया और सांप को बाज खाया। ठीक है साहब, जरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि घास परितंत्र में टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज खाया, तो दिए गए आरेख, आरेख देखिएगा, दिए गए आरेख में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन कहलाएगा, सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन कहलाएगा? हमें पता है आप मारेंगे बाज। आपका उत्तर गलत। जैसे ही बाज लगाए आप लहूलुहान हुए, उसकी जिम्मेदारी आपकी। देखिए पूछ क्या रहा है, दिए गए आरेख में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता, तो ये जो घास परितंत्र है ये तो उपभोक्ता है नहीं, ये तो उत्पादक है। अब देखिए प्रथम पोषण प्राप्त करता, द्वितीय पोषण प्राप्त करता, तृतीय पोषण प्राप्त करता, चतुर्थ, वो जानना केवल एक दो तीन में चाहता है, एक दो तीन। क्लियर हुआ साहब? तो चलिए आज के लिए था ये आपकी यहाँ पे खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा के पिरामिड से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।